हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ EVS फॉर क्लास थर्ड. सो स्टूडेंट, स्टिल वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माय फैमिली. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द फैमिली ट्री, मैटरनल फैमिली, पैटर्नल फैमिली एंड द पीपल इन द फैमिली. फैमिली ट्री वो ट्री होता है जो कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को समझने में हमारी मदद करता है. पैटर्नल फैमिली, फादर के साइड की फैमिली को पैटर्नल फैमिली कहा जाता है. जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, ये सब फादर के साइड के होते हैं, इसलिए इनको पैटर्नल फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है. नेक्स्ट इज मैटर्नल फैमिली. मैटर्नल फैमिली मदर के साइड की फैमिली होती है, जैसे कि नाना नानी, मामा मामी, मौसी, ये सब मम्मी के साइड के लोग होते हैं. मम्मी के साइड की फैमिली होती है तो मम्मी के साइड की फैमिली को मैटरनल फैमिली के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट प्यूपल इन द फैमिली. पीपल इन द फैमिली यानी कि फैमिली के लोगों की संख्या फैमिली पर डिपेंड करती है कि वे किस प्रकार की फैमिली है, किस प्रकार फैमिली में सदस्यों की संख्या बढ़ती और घटती रहती है, और किस प्रकार फैमिली यानी कि परिवार के सदस्यों के बीच बाउंडिंग और अच्छी होती है, यानी कि संबंध और अच्छे होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली वैल्यूज़, यानी कि परिवार की मान्यता. हमारे लिए फैमिली की क्या क्या वैल्यू है. A child's first school is the family, यानी कि एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार ही होता है. क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल वो जगह है जहाँ पर कि हम सीखने जाते हैं. तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह कहाँ से सीखना स्टार्ट करता है, अपने घर से. क्योंकि बच्चा जब बोलना सीखता है तो अपने घर से ही बोलना सीखता है. तो जहाँ से बच्चा अपना सीखने की प्रक्रिया शुरू करता है वही उसका पहला स्कूल होता है, और वो है फैमिली, क्योंकि वह फैमिली के साथ रहकर ही सीखना स्टार्ट करता है. व्हेन वी लर्न शेयरिंग, केयरिंग, हेल्पिंग अदर्स एंड काइंडनेस व्हेन वी लिव टुगेदर, दीज वैल्यूज़ आर टॉट टू अस बाय आवर फैमिली मेम्बर्स. हेयर आर सम वैल्यूज़ दैट वी लर्न. यानी कि हम फैमिली में रहकर परिवार के लोग के सदस्यों के साथ रहकर क्या सीखते हैं, शेयर करना, एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना, बातों को शेयर करना, केयरिंग एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की देखभाल करना, हेल्पिंग अदर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना, और दूसरों के प्रति हमेशा दयालुता का भाव रखना. और ये वैल्यू हमें किसके द्वारा सिखाई जाती है, फैमिली, क्योंकि फैमिली के मेम्बर्स जैसा करते हैं हम वैसा सीखते हैं और वही हमारा पहला स्कूल होते हैं. हेयर आर सम वैल्यूज़ दैट वी लर्न. यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जो कि हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. बींग पोलाइट टू एवरी वन, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड लविंग द यंगर्स वन, एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू एंड केयरिंग अबाउट आवर फैमिली मेम्बर्स. यानी कि लोगों के प्रति हमें पोलाइट रहना चाहिए, उन्हें अच्छे से बात करनी चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए. रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड लविंग द यंगर वन, अपनों से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, और वो जो बोलते हैं वो हमें करना चाहिए, और अपने से छोटों को हमें प्यार करना चाहिए. हमें दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करनी चाहिए. ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं. नेक्स्ट इज शेयरिंग इज केयरिंग. शेयरिंग इज केयरिंग यानी कि शेयर करना ही देखभाल करना है. All family members have specific role to perform. यानी कि सारे family members का, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग रिश्ते होते हैं, उनके साथ हमारे अलग अलग संबंध होते हैं और वे अलग अलग रोल प्ले करते हैं. जैसे कि मम्मी, तो मम्मी का रोल प्ले करेंगे, और पापा पापा का रोल प्ले करेंगे. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप पापा से कहेंगे ना, या अगर क्या पापा मम्मी की जगह काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना. पापा जो है वो अपना काम करेंगे जो एक फादर करते हैं, और मम्मी अपना काम करेंगे जो कि एक मदर करती है. फादर एंड अंकल्स अर्न मनी फॉर द फैमिली.
पापा और जो अंकल यानी कि चाचा होते हैं वो परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। आपके घर से बाहर पैसा कमाने के लिए कौन जाता है? पापा, ताऊ, अंकल, ये सब जाते हैं ना। एक बार क्यों जाते हैं जॉब करने के लिए? ताकि हमारी परिवार के सदस्यों की ज़रूरत को पूरा कर सकें और उनके लिए पैसे कमा कर ला सकें। Mother and aunts look after the needs of all family members. They cook food, wash clothes, and help children in their studies. Some ladies nowadays go out to work to earn money. घर में माँ और चाची ताई जी जो होते हैं वो घर के मेंबर्स की जो आवश्यकता होती है वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको पूरा करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए खाना पकाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं और बच्चों में पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, यानी कि बच्चों की मदद करते हैं पढ़ाई में। तो इस प्रकार जो घर में लेडीज़ होती हैं जैसे कि मदर और आंटीज़, वह हमारे घर के सदस्यों की देखभाल करती हैं। और आप तो आजकल तो कुछ लेडीज़ हैं जो कि बाहर काम करती हैं, पैसे कमाने के लिए बाहर जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी की तो मदर बाहर जाती हैं जॉब करने के लिए, सिस्टर्स बाहर जाती हैं, कोई टीचिंग करता है, कोई ऑफिस वर्क करता है। ग्रैंड पेरेंट्स टीच मोरल वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर दैम। और ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों को नैतिक मान्यताएँ सिखाते हैं कि बच्चों बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से छोटों को प्यार करना चाहिए और सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। हमें सिखाते हैं कौन? ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं। वो हमें स्टोरी भी सुनाते हैं और जब हमारे पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं तो वो हमारी देखभाल भी करते हैं। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हेल्प द एल्डर्स इन देयर वर्क बाय टेकिंग द पेट्स फॉर अ वॉक, लाइंग द टेबल, वाटरिंग द प्लांट्स। दे ऑल्सो स्पेंड टाइम विद द ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि बच्चे अपनों से बड़ों की किस प्रकार मदद करते हैं। जैसे कि अगर उनके घर में पेट्स है तो उनको बाहर घुमाने ले गए, पेड़ों में पानी डाल दिया, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर दिया। तो इस प्रकार वह अपने एल्डर्स की मदद करते हैं, अपने से बड़ों की मदद करते हैं ताकि उनका थोड़ा टाइम बच जाए, टाइम सेव हो जाए और उनकी मदद भी हो जाए। नाउ आई नो ट्विंस आर चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। इफ दे लुक लाइक ईच अदर दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, एंड इफ दे आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। अगर दो बच्चे एक ही समय में एक ही माँ से पैदा होते हैं तो वह जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। अगर वे दोनों एक जैसे लगते हैं तो वह आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। और अगर वे दोनों एक जैसे नहीं लगते हैं, एक दोनों से शक्ल उनकी नहीं मिलती है, तो वह कौन कहलाते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। ओके, अगर जब दो बच्चे एक ही माँ से एक ही समय में पैदा होते हैं तो वो ट्विंस कहलाते हैं। अगर वो दोनों ट्विंस एक जैसे दिखते हैं तो वह आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। अगर वे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो वह फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं।